वेलकम स्टूडेंट्स, आज अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। तो ये जो जर्नल है 7A62 पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें 2020 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से और गुड्स से। कैश अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए, गुड्स को हम परचेज लिखेंगे, स्टॉक भी लिख सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए है। टू कैपिटल 1,20,000। अब नरेशन आपको पहले करवा चुके हैं तो अब मैं नरेशन नहीं लिखता हूं उसमें। नंबर 3 तो देखिए, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। इसके बाद जनवरी 6 को दे रखा है, बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम पेड बाई चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। को देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू अमर, रिसीव चेक। अब देखिए चेक जमा नहीं हुआ है तो चेक इन हैंड मानेंगे इसको, चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। 11 तारीख को देखेंगे, चेक रिसीव फ्रॉम अमर डिपॉजिट इन टू बैंक। अब ये चेक बैंक में जमा हो गया है यहां, तो बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन है 12,000 रुपए। 15 तारीख को विथड्रीव कैश बाय चेक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। इसके बाद 17 तारीख को बैंक से लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 40,000 रुपए। 19 तारीख को सैलरी और रेंट चेक से पे किए हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000, 1,000। 21 तारीख को देखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है हमें तो हम इनकम हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 300 रुपए। इसके बाद 25 तारीख को देखिए, राम हू ओड अस 1,000 मेट विद एन एक्सीडेंट एंड नथिंग रिकवर, बैड डेट्स हो गई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम 1,000। इसके बाद 27 तारीख को देखेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित 8,000 फुल सेटलमेंट। देखिए चेक इन हैंड डेबिट 8,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 रुपए टू अमित 8,200 रुपए, चेक ऑफ अमित एंडोर्स टू सुनील इन फुल सेटलमेंट। देखिए चेक ऑफ अमित आपने एंडोर्स कर दिया है किसको, सोहन को, तो सोहन डेबिट टू चेक इन हैंड
आपने चेकिंग एंड माना हुआ था, और टू कितने में, 8,150 में किया है, चेक 8,000 का है, तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा, टू डिस्काउंट रेशियो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखो इसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बैंक, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट डेबिट। अब देखिए सबसे पहली एंट्री में बैंक नहीं है, दूसरी एंट्री में बैंक है, तो यहां लिखेंगे 2020 जनवरी 3rd को है, टू कैश अकाउंट 50,000। इसके बाद देखिए 6 जनवरी को बैंक क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 2020 जनवरी 6 बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखिए 11 तारीख को बैंक डेबिट है, तो टू चेक इन हैंड 12,000। 15 तारीख को क्रेडिट में है बाई ड्रॉइंग 3,000। 17 तारीख को डेबिट है टू बैंक लोन 40,000। 19 तारीख को क्रेडिट है, देखो लेकिन डबल है इसके अपोजिट में, बाई सैलरी और बाई रेंट, 2,000 सैलरी है 1,000 रुपए रेंट। इसके बाद 21 तारीख को टू इंटरेस्ट 300 रुपए, इसके बाद और बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं है। तो देखो हम यहां टोटल करेंगे 50, 62, 102, 300, यहाँ लिखेंगे 102, 300, 10, 13, 15, 16, 86,300 बच गया। यहाँ लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाई बैलेंस, अब देखिए जनवरी की लास्ट डेट को बैलेंस निकाला, फरवरी 1st को टू बैलेंस वीडियो कराएंगे, टू बैलेंस बीडी 86,300, ठीक है। अब देखो इसमें हमने बैंक अकाउंट बनाया है, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, और इसके बाद चेक इन हैंड अकाउंट बनेगा, इसके बाद ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा, बैंक लोन अकाउंट बनेगा, सैलरी अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, बैड डेट्स अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा, सोहन का अकाउंट बनेगा, अमित का अकाउंट बनेगा, और डिस्काउंट रिसीव। तो इसी प्रकार जो बैंक अकाउंट बनाया है, कल आपका कैश अकाउंट बनाया था, इसी बेस पर इन अकाउंट को आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे।